अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये सैमसंग का मॉडल है A20 और इसमें FRP लॉक लगा हुआ है और ये जो नया इसका सिक्योरिटी पैच है दिसंबर 2020 वाला, इसमें जो कोई भी वो जो पहले वाले जितनी भी ट्रिक्स थी वो काम नहीं कर रही। इसमें सिम पिन वाला मेथड काम नहीं कर रहा, ब्लूटूथ वाला नहीं कर रहा और भी कोई जो जितने भी पहले इसमें थे वो ट्रिक्स काम करती थी, अब वो कोई नहीं करती। तो आज आपको मैं एक नया और आसान तरीका बताता हूँ इसको FRP रिमूव करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखें, यहाँ से हम देख लेते हैं कि इसको FRP लॉक लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। ये देखें, यहाँ से ही पता चल जाता है, लेकिन फिर भी हम इसको दिखाते हैं आपको कि लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। ये देखें, ये यहाँ से कोई भी लॉग लगाएंगे तो ये एरर दे देगा और हम आप गूगल का जो अकाउंट है वो चेक करते हैं। ये देखें जी, तो जनाब अब आपको दिखाते हैं कि इसको कैसे अनलॉक करना है। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास कंप्यूटर हो और एक दो सॉफ्टवेयर छोटा सा वो हम डाउनलोड कर लेंगे। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बड़ा ही आसान तरीका है। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चल के देखते हैं कि क्या तरीका है इसका। तो देखते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन। तो हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं और ये देखें, ये सबसे पहले ये एक सैमसंग FRP 2020 ये एक टूल है छोटा सा, इसे चेक करते हैं। जैसे ही आप ओपन करेंगे इसकी वेबसाइट भी साथ ओपन हो जाएगी। ये देखें, ये बाईपास FRP का आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन और हम देखें जी क्या करना है इसको। ये थोड़ा सा मेरा कंप्यूटर यहाँ से दूर है, थोड़ा सा इसको साइड पे करता हूँ। ये देखें, ये कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो गया। तो अभी यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे FRP बाईपास FRP, और ये देखिए ये बता रहा है कि बिफोर स्टार्ट यू मस्ट कंटेक्ट योर डिवाइस टू वाईफाई, कनेक्ट करके रखनी है, पहले आपने उसको कर लेना है वाईफाई से कनेक्ट कर लेना है, फिर ये सॉफ्टवेयर काम करेगा। ये देखें, अच्छा ये देखें, इसने ये एरर दे दिया, ये इंस्टॉलेशन ड्राइवर फेल, तो ये सॉफ्टवेयर पे बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो इसके लिए एक और सॉफ्टवेयर हम वो इस्तेमाल करेंगे, उससे FRP बाईपास करेंगे तो वो 100% काम करेगा। तो मैं दिखाता हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। छोटा सा सॉफ्टवेयर टूल है छोटा सा, तो ये हमारा टूल है जी मुस्लिम ऑडियन, इसको ओपन करेंगे। अब ये यहाँ से देखें जी, ये कनेक्ट ऑटो रिबोट पे इसकी टिक ऑलरेडी हुई हुई है और यहाँ पे ये ऐड का ऑप्शन आ गया। ये देखें, अब आपने करना क्या है कि ये जाना है ऑल मोबाइल FRP, ये ऑल मोबाइल FRP पे जाके आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से देखें ये रीडिंग प्लीज का ये भी आ गया स्टार्ट FRP ब्राउज़र MTP, ये यहाँ से आपने इसको क्लिक कर देना है। ये देखें, ये वेट का ऑप्शन आ रहा है, अभी थोड़ी देर में ये देखें ये ड्राइवर इंस्टॉल कर रहा है। और ये देखें, जैसे ही सक्सेसफुली हो गए उसने ये दे दिया और ये यहाँ से सीधा YouTube में चला गया और हम ब्राउज़र में आ गए। ठीक हो गया, अब आगे का प्रोसेस भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि इसमें वो काफ़ी सारे जो ऑप्शन हैं वो काम नहीं करेंगे जो पहले हम करते थे, क्योंकि ये नया वर्जन है। तो इसमें हम जाएंगे जी, ये होम में जाएं,
अच्छा तो ये इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये इसमें क्विक शॉर्टकट मेकर जो है एप्लीकेशन है वो भी नहीं चलेगी इसमें। तो हमने करना ये है कि यहाँ पे जाके हमने जाना है, पहले हम गूगल में जाएंगे, ये गूगल डॉट पी के में जाके, ये जी यहाँ पे हमने जाके जाना है गैलेक्सी, नहीं सॉरी अपने सैमसंग, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपने जाना है जी सैमसंग, सैमसंग ऐप, ऐप स्टोर, ये सैमसंग ऐप स्टोर, यहाँ से इसको सर्च करना है आपने, यहाँ पे ये जो पहले वाली वेबसाइट है इसको क्लिक कर लेना है। ठीक है जी, यहाँ से आपने ये देखिए, यहाँ से आपने ये गैलेक्सी स्टोर में चले जाना, यहाँ पे इसको एग्री कर देना है और इसको ये अपडेट कर देना है आपने। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, इसको अपडेट लाजमी कर देना आपने। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, 5 से 3 से 2 मिनट तकरीबन, 2 से 3 मिनट लगेंगे, तो ये इंशाल्लाह ये देखें जी ये अपडेट होके इंस्टॉल होना शुरू हो गया। और ये देखें ये एक बार फिर वापस उसी जगह पे आ जाएगा जहाँ पे लॉक लगा हुआ था। तो करना ये है कि हमने दोबारा इसको एक दफ़ा फिर वैसे ही दोबारा इसको हमें केबल के साथ कनेक्ट करना है और वही प्रोसेस जो है वो दोबारा उसको रिपीट करना है हमें। यहाँ से ये और यहाँ से व्यू, पहले ये डायरेक्ट क्रोम में चला गया था, लेकिन अब इसको जो है वो हमने इसकी सेटिंग में जाके अबाउट में जाना है और यहाँ से ये क्रोम में जाएगा। ठीक हो गया जी, अब यहाँ से फिर वही हम जाएंगे जी सैमसंग प्ले स्टोर में, सैमसंग, ये सैमसंग प्ले स्टोर ओपन हो गया जी। और यहाँ से प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा, जी तो यहाँ से हम सर्च करेंगे, यहाँ पे गूगल प्ले प्ले स्टोर हिडन, हिडन सेटिंग्स, ये देखें ये सबसे ऊपर आ गया जो हमने सर्च किया था, ये सबसे ऊपर वाला, इसको हमने डाउनलोड कर लिया। और यहाँ पे आपको
जो सैमसंग का अकाउंट है वो लगाना पड़ेगा। ये इजीली काफ़ी लोग इसके बारे में जानते होंगे, और जो इसके बारे में नहीं जानता वो गूगल में जाके इजीली साइन अप का ऑप्शन आता है, सैमसंग अकाउंट, जैसे ये लिखा हुआ है ना सैमसंग अकाउंट, इस तरह का साइन अप का भी ऑप्शन आता है। जब गूगल में जाएंगे, ब्राउज़र में जाएंगे, तो वहाँ से जाके इसका जो वो साइन इन आईडी बना लें, और वो यहाँ पे आपने लगानी है। तो मैं अपनी आईडी लगा के आपको बताता हूँ। ये जी, ये हमारी आईडी, और अब हम इसको करेंगे साइन इन। जैसे ही साइन इन जाएगी, हमें इसको परमिशन देनी पड़ेगी और एग्री करना पड़ेगा। यहाँ ये मेरे मोबाइल पे इसने एक कोड सेंड कर दिया है, तो वो इसके अंदर हम लगाएंगे। OTP मैसेज आता है जो आपको पता ही होगा। तो ये जनाब मुझे पिन मिल गया है, इसको हम लगाएंगे। तो ये हमें साइन इन कर देगा इंशाल्लाह। यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये किसी कस्टमर का फ़ोन है। तो ज़ाहिर बात है बाद में इसमें अकाउंट हमने डिलीट भी करना है जो अपना अकाउंट लगाइए। देखें जी, ये डाउनलोडिंग शुरू होगी इसकी, तो जैसे ही डाउनलोड होगा ये इसके साथ ही इंस्टॉल भी हो जाएगा। यहाँ से हम इसको ओपन कर लेना है, और जैसे ही हम ओपन करेंगे यहाँ से ये ओपन हिडन सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से ये देखें, ये हमारे सामने आ गया। अच्छा, हमने इसमें से कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करना है, हमने सबसे नीचे चले जाना है, टॉप पे नहीं रहना, बॉटम में आ जाना है। और ये जो पहले से दूसरा सेकंड लास्ट वाला जो सबसे आखिर में है, उसके ऊपर जो ये वाला ऑप्शन है इसको क्लिक करेंगे। और ये देखें, ये हमारे सामने आ गए। यहाँ पे अब आपका फ़ोन बाईपास हो चुका है। अगर जिन लोगों को यहाँ पे पता चल गया है वो यहाँ से वीडियो छोड़ सकते हैं, और जो नए हैं वो आगे देखें। मैं आपको बता देता हूँ पूरी वीडियो बना के। तो ये कंफर्म हो गया, ये देखें जी, यहाँ से इसको हम स्किप कर देंगे। अब इसको एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लेंगे फ़ोन को, ये देखें। तो जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उससे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और मेरी वीडियो को शेयर कर दें। मेरा भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा आपके एक शेयर से, एक लाइक से, अच्छा सा कोई कमेंट्स कर दें। तो वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर लाजमी करना है। मैं इस तरह की वीडियो बनाते ही रहता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, क्योंकि ये मामले होते रहते हैं। ये जो FRP गूगल अकाउंट का अक्सर इशू बन जाता है काफ़ी सारे लोगों के साथ, तो ये आसानी से आप अपने घर में कर सकते हैं, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं। ये देखें, यहाँ से वही कोड जो है वो मांगेगा। यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, और हम चले जाएंगे सीधे जहाँ पे इसने आईडी मांगनी। एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और मोबाइल के मुतल्लिक और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मुतल्लिक और मोबाइल के एप्लीकेशन के मुतल्लिक मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। इंशाल्लाह प्रॉपर आपको मिलती रहेंगी वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये देखें जी, यहाँ से हमने वही जो लॉक लगाया था उसको एंटर करेंगे। ये देखें, यहाँ पे स्किप कर दें, या अपना कोई आईडी आपका है वो नया लगाना, गूगल अकाउंट को आपके पास है तो वो लगा लें, नहीं तो यहाँ से इसको स्किप कर दें, और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करके होम स्क्रीन में जा सकते हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना ना भूलिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।